विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के प्रस्ताव के बाद 21 जून 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भोपाल में भी लोगों ने योग किया। दुनिया भर में आज नवा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रखी गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद हुई थी और पहली बार देश सहित संपूर्ण विश्व में वर्ष 2015 से इसकी शुरुआत हुई। योग दिवस का कार्यक्रम देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मनाया गया। भोपाल के कैवल्य धाम योग प्रशिक्षण में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बीच लोगों ने योग से अपने दैनिक जीवन में आए बदलावों के अनुभव भी साझा किए। योग एक आवश्यक चीज है, एक तरह का व्यायाम है, और हम ये कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति को योगा करना चाहिए। योग में आत्मिक शांति, शारीरिक स्वस्थता एवं हमारा जीवन जो है बड़ा सुखमय और आनंदमय बीत रहा है। और हम सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे इस योग दिवस को आज संकल्प लें कि सभी अपने जीवन में योग को अपनाएंगे और जीवन में अपने स्वास्थ्य को तंदुरुस्त और मस्त रखेंगे। नहीं, योग से काफ़ी परिवर्तन होता है। योग की क्रिया करने से शरीर की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं उनमें एक सामंजस्य बैठता है और मन, इससे मन अच्छा फील करता है, प्रफुल्लित रहता है। मुझे तो बहुत तकलीफ थी बॉडी में और मेरे को फ्रैक्चर भी हुआ था, कंप्रेस फ्रैक्चर वगैरह। मैंने धीरे धीरे किया तो मुझे खुद को अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा हम दोनों को फील हो रहा है करने के बाद। बहुत हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठ के सबसे पहले यही लगता है कि अब वहाँ जाना है, तो एक उत्साह तो पूरा ही बना रहता है और बॉडी दिन भर के लिए स्फूर्ति। योग से मुझे लगता है कि अपने अंदर हम एक बैलेंस डेवलप कर पाते हैं, अपने शारीरिक, अपने शरीर के प्रति, अपने काम के प्रति और सारी चीज़ों में एक डिटर्मिनेशन भी हम डेवलप कर पाते हैं इसके माध्यम से। हमें रोज़ योगा आना है और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं और सभी लोगों से चाहते हैं कि सभी लोग करें। पूरा दिन स्फूर्ति महसूस होती है और शरीर में मतलब धीरे धीरे चेंजेस महसूस हो रहे हैं, बेटर फील कर। योग क्या है, मन और शरीर के लिए एक आवश्यक क्रिया कह सकते हैं जो हमारे मन को और शरीर को संतुलित रखता है। नहीं, बहुत अच्छा लगता है और सुबह उठ के सबसे पहले ये महसूस होता है कि योग क्लास में जाएं, जिससे कि दिन भर जो है वो स्वस्थ रह सके, शरीर सहज रह सके, शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है और मन में उत्साह रहता है, शरीर थोड़ा सा हल्का लगता है पूरे दिन काम करने का। यही संदेश देना चाहूँगा कि हर व्यक्ति को योग अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि अभी बदलते परिवेश में जो तनाव, चिंता और कुंठा ये सब अंदर इतना भरा हुआ है कि उसको निकालने का सिर्फ और सिर्फ मात्र एक रास्ता है योग। योग के आसन, प्राणायाम, क्रियाएं, बहुत सारी विधाएं हैं योग के अंदर। उनमें से अगर हम अपने दैनिक दिनचर्या में 30 मिनट का भी समय योग के लिए देते हैं तो बहुत कुछ हमारी स्थिति सुधर जाती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।